मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। ये सियासी घमासान सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, यहाँ पर बीजेपी के भीतर भी एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच में। इसकी वजह है शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश में तैयार करने की कवायद होना। दिक्कत बस इतनी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके साथ आए कुछ मंत्री जो हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ जो नेता हैं उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं, मंत्री अभी बरकरार हैं और देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने लोगों को सिंधिया अपने साथ साधे रखने में कामयाब होते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना साथ छोड़ने वाले लोगों को साफ कह दिया, भाई हथकड़ी बांध कर तो रख नहीं सकता हूँ, जिसे जाना है जाओ, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ, इतना ही कह सकता हूँ। इस सब के बीच में गाये बगाए जब मौका मिलता है तो सिंधिया कांग्रेस पर हमला करते दिखाई देते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके साथ उनकी लंबी राजनीति चली है, लेकिन यहाँ पर अब ज़रूरी इसलिए हमले क्योंकि वो बीजेपी का बड़ा चेहरा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, राज्यसभा सदस्य और फिर उसके बाद में केंद्रीय मंत्री बने और अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी भी उन पर दांव लगा रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े परिवर्तन मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। इन सारी सुगबुगाहटों और कयासों के बीच में हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले केंद्रीय मंत्री और करीब 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ट्विटर पर राहुल गांधी के एक कथित समर्थक के साथ भिड़ते दिखाई दिए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। एक तो राहुल गांधी के समर्थक के साथ सिंधिया का भिड़ना ही अपने आप में दिलचस्पी का विषय बन गया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें इसका जवाब देना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जवाब के बाद में फिर एक के बाद हमने देखा कि थ्रेड सा सामने आ गया जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने वाले कई बातें ट्वीट पोस्ट में कह दी गई। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पूरा मामला क्या था, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस बीच सिंधिया 6 जुलाई को अपने गृहनगर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान एक रेस्टोरेंट में वो गए थे, वहां उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से मुलाकात की थी। ग्वालियर में फूलबाग चौपाटी के पास स्थित रेस्टोरेंट में उन्होंने कुछ वक्त बिताया। इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए सिंधिया ने लिखा, स्वादिष्ट भोजन खाने के साथ साथ ज़रूरी है रसोइये से मिलना। आज ग्वालियर प्रवास के दौरान एक रेस्टोरेंट के युवा कर्मचारियों से मिला और खाने और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। सिंधिया के द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंधिया एक बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने के बाद रेस्टोरेंट के किचन में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। वो वहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगली बार ग्वालियर आऊँगा तो तुम्हारा डोसा खाऊंगा। सिंधिया के इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट आने लगे। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पोस्ट पर अमान जयपाल मलिक नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, राहुल गांधी से सीख रहे हैं, अच्छा है। अब कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, हजारों की तादाद में लोग उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, ये कमेंट क्यों महत्वपूर्ण हो गया? दरअसल इस कमेंट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिप्लाई किया, यानी उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। अब राहुल गांधी से सीख रहे हों ये लिखा गया तो शायद ये अंदाज़ा रखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि ये राहुल समर्थक होंगे। राहुल समर्थक तो हैं, लेकिन इसके बाद में अगर वो यूज़र को कोई भी जवाब देते हैं तो फिर उसके आगे क्या क्या लिखा जाता है इसका शायद उनको अंदाज़ा ना रहा हो। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फिर ट्विटर यूजर पर कमेंट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी टिप्पणी की और उसके बाद में तो फिर कमेंट्स की लाइन सी लग गई। यूज़र के पोस्ट पर सिंधिया ने क्या कुछ कहा पहले वो जानिए। यूज़र के पोस्ट पर जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया, एक्चुअली अनलर्निंग, इसका मतलब होता है कि वास्तव में जो सीखा हुआ है उन चीज़ों को अब भुला रहा हूँ। गौर करने वाली बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े अच्छे दोस्तों में शुमार रहे हैं राहुल गांधी के, अब वो काफ़ी दूर हो चुके हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो कुछ सीखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो कांग्रेस में रहकर सीखा और राहुल गांधी से भी निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखा होगा। तो वो कह रहे हैं एक्चुअली अनलर्निंग, यानी कि मैं जो सीख चुका हूँ उसको भुला रहा हूँ, अब उसको भुलाने का प्रयास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री के इस पोस्ट पर भी ट्विटर यूजर ने जवाब दिया। यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा, जब मैं आप दोनों की तुलना करता हूं, वो यानी राहुल गांधी आपसे ज्यादा जमीन से जुड़े विनम्र, सच्चे और ईमानदार लगते हैं महाराज, इसलिए उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। इन दोनों के इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर अच्छी खासी फॉलोइंग है, करीब 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी दोस्ती कितनी मजबूत रही है एक समय पर। दरअसल पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। उन्होंने भी पिता की तरह कांग्रेस को चुना। दिसंबर 2001 में कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने अपने पिता की गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने। इसके 3 साल बाद राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले ही उनके दोस्त थे। दोनों दून स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते थे। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी कोर टीम का हिस्सा बन गए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक बाद राहुल ने पार्टी में नए चेहरों को आगे लाने का खाका तैयार किया। ज्योतिरादित्य उनकी इस यूथ ब्रिगेड का सबसे चमकदार चेहरा थे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसके बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर यह स्पष्ट कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके विश्वास पात्रों में शामिल हैं। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि प्रियंका गांधी राहुल की तरह ज्योतिरादित्य को भी अपने भाई जैसा मानती थी। कई बार जब ज्योतिरादित्य किसी मुद्दे पर राहुल से सहमत नहीं होते तब प्रियंका बड़ी बहन की भूमिका में आ जाती और दोनों की सहमति बनाने का रास्ता तैयार करती थी। और कहा जाता है कि इमोशनल बॉन्डिंग ही 2020 में ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बनी। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिस कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई। सिंधिया ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और तब से राज्य में बीजेपी की सरकार है। हालांकि इसके बाद भी दोनों एक दूसरे पर सीधा हमला करने से बचते रहे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मानहानि के एक मामले में कोर्ट से सजा होने के बाद राहुल को सांसद पद से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तब ज्योतिरादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें स्वार्थी राजनीतिज्ञ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को गद्दारों की पार्टी तक कह दिया। राहुल ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ट्वीट में उन्होंने अडानी के साथ ज्योतिरादित्य का नाम भी जोड़ दिया। आपको बता दें, कांग्रेस में रहने के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। और फिर ये भी कहा गया इशारों में कि जो विचारधारा से समझौता कर लें वो गद्दार हैं, जो पार्टी को छोड़कर गए, जो बिक चुके हैं, उनकी पार्टी में वापसी संभव नहीं है, जैसे कुछ तल्ख कमेंट भी रहे राहुल गांधी के, जिनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देखा गया। हालांकि जैसा मैंने कहा, सीधा हमला नहीं था, लेकिन अडानी शब्द को डिफाइन करते हुए एक ट्वीट किया गया था, वो खासा चर्चा में था, जहां पर एक अक्षर को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी जोड़ा गया था। कुल मिलाकर इन दोनों की जो दोस्ती थी वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। हालांकि दोस्ती, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी का आकलन राजनीतिक विचारधाराओं से नहीं करना चाहिए। आपसी संबंध कई बार फिर भी मजबूत होते हैं। हंसते खिलखिलाते हम कई विपक्षी नेताओं की आपस में तस्वीरें देखते रहते हैं, इसका उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी राजनीति से थोड़ा सा आगे दिखाई पड़ते हैं। स्कूलिंग साथ में हुई है, राजनीति साथ में सीखते रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं। और राहुल गांधी भी चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़े, लेकिन वो राहुल गांधी की शायद मजबूरियों को भाप गए थे, क्योंकि यहाँ पर समीकरण होता है सबको साधने का, तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सभी को साध कर रखना था। मध्य प्रदेश की सियासत इनके बिना भी अधूरी दिखाई पड़ती है, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना निर्णय लिया, अलग हो गए। अब एक बार फिर चर्चा में आ गई ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की ये दोस्ती, क्योंकि एक ट्विटर यूजर जो कि राहुल के समर्थक दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने सिंधिया को नसीहत दे डाली एक वीडियो के बाद में कि आप राहुल गांधी से सीख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, एक्चुअली अनलर्निंग, जो सीखा है उसको भुला रहा हूं। तो लिखा कि आपसे ज्यादा बेहतर और जमीन से जुड़े हुए महसूस होते हैं, इसलिए आप उनसे सीख सकते हैं महाराज। इस तरीके से उनके ऊपर एक तंज कसा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गए कि तो मामला लंबा खींचने वाला है, इसलिए उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये टिप्पणी और ये ट्वीट जो है, जो पहले तो उनका वीडियो पोस्ट, उस पर फिर एक ट्विटर यूजर की टिप्पणी, फिर ज्योतिरादित्य का उसको अटेम्प्ट करना, उस पर जवाब देना, उस पर कुछ लिखना और फिर उस पर रिप्लाई आना, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।